यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे चंडीगढ़ T20 लीग का, जो आज के दिन का सेकेंड मैच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा आपके किनके बीच में, रोस जोन के बीच में और लेजर जोन के बीच में। इन दोनों ही टीम काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो कौन से होंगे हमारे फैंटेसी की टीम के 11 प्लेयर्स जो हमें एक तरफा क्लीन स्वीप करने में मदद करेंगे, उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूँ, स्किप मत करना इस वीडियो को। क्यों नहीं करना है स्किप? अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं इस मैच के रिलेटेड बोलते रहता हूँ, जैसे कि टॉस के अकॉर्डिंग आपको किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, किसको बनाना है अपना सी, किसको बनाना है अपना 22 BC, सब कुछ मैं बताता हूँ वीडियो में। अगर आप डायरेक्टली जाकर टीम देख लोगे तो कभी विन नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि वो हमारी रहती है डेमो टीम। तो बाकी जो भी अपडेट्स, जो भी चीज़ें, चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, वो वीडियो में होगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRA, एक सेकंड, हाँ, तो ये दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना? तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की, बात करते हैं अभी इस मैच की। तो पहले तो हम मैच पे चलते हैं, क्रिएट टीम पे जाएंगे और पहले हम फिल्टर लगाएंगे आपके रोस जोन टीम के ऊपर। तो रोस जोन टीम की बात करें, इनका जो पिछला मैच था ना, वो अबॉन्डेंट हो गया था। तो चलिए बात करते हैं, एक बार देख लेते इस मैच का प्रीव्यू। तो अगर पहले मैच की बात करें ना, एक सेकेंड, हाँ, वेन्यू एंड टीम स्टैट्स। अगर इस पिच की बात करें, ये पिच है सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़ दोस्तों। तो पिच की खास बात क्या है, ये पिच की खास बात ये है कि ये बैलेंस पिच है। आपको एक न्यूट्रल वेन्यू आपको दिखेगी, ना बॉलर्स को फेवर करेगी ना बैट्समैन को फेवर करेगी। जो टीम अच्छा खेलेगी, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगी, वही टीम जीतेगी इस ग्राउंड पर। टॉस के ऊपर ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा नहीं और पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलता है। पेसर्स मतलब डेथ के जो पेसर्स हैं, उनको तो मदद मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डेथ में आएंगे और बॉलिंग करेंगे, विकेट ज़रूर मिलेंगे डेथ में, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर बात करें एवरेज टोटल की, तो एवरेज टोटल जो है इस ग्राउंड का, वो है 148 दोनों इनिंग्स को मिला के, ये दोनों इनिंग्स को मिला के होता है। और ये 148 है फर्स्ट इनिंग स्कोर है 148, तो दोनों ही बराबर है। तो बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें, इस ग्राउंड पर सबसे बढ़िया किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, सबसे पहले आपका नाम जो आता है वो ए आज़ाद दोस्तों। एक मैच खेला 90 रन, टी जोशी 23, SN यादव 23। तो कुछ इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही इस ग्राउंड पर। अगर बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग में सबसे ज़्यादा चले मॉर्गन अश्विन, एक ओवर एक मैच में 3 विकेट, एन पंडित एक मैच खेला 3 विकेट लिया, ए पन्नू एक मैच में 1 विकेट। तो ये 6 प्लेयर हो गए ना सबसे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इस टीम से। तो बाकी इस ग्राउंड पर ये लोग के जलवा होते हैं दोस्तों। बाकी देखते हैं, एक सेकंड, इनका पिछला मैच एक बार देख लेते हैं। ये देखिए रोग जोन का, जैसा मैं बोला था, इनका जो पिछला मैच था ना, वो अबॉन्डेंट हो गया था। तो एक बार हम जाके टीम बना देते हैं ना,
उससे पहले लेजर जोन की टीम की बात कर लेते हैं। पहले ये रही लेजर जोन की टीम। तो हाँ, ओपनिंग कर रहे हैं आपके टी जोशी, किन के साथ? अर्जुन आज़ाद के साथ। जैसे कि मैंने बोला था 90 रन बनाए थे, देखिए 90 रन बनाए थे इन्होंने सिर्फ 50 बॉलों में। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। फिर आपके जी पुरी वांडन आ रहे हैं, फिर एस निरंजन यादव, ये उसके बाद आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं आपके अर्पित पन्नू, मुर्गन अश्विन, एस सिंधु, जगजीत सिंह और हार्दिक चौधरी। कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो बॉलिंग की बात करें, चार चार ओवर कौन बॉलिंग करे? चार ओवर आपके कर रहे हैं मुर्गन अश्विन दोस्तों, सबसे बढ़िया बॉलर, सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर इस टीम के। फिर निपुण पंडिता चार ओवर कर रहे हैं, फिर आपके चार ओवर करें अर्पित पन्नू दोस्तों, और बाकी तीन तीन ओवर करें जगजीत सिंह, शाबाज सिंह, फिर आपके कर रहे दो ओवर हार्दिक चौधरी। तो हमारे टीम में कौन होंगे? हमारे टीम में होंगे दोस्तों, हम यहाँ से अर्जुन आज़ाद के साथ जाएंगे, ए पन्नू के साथ जाएंगे दोस्तों, मुर्गन अश्विन, ये तीन तो हमारे टीम में पक्का होंगे। कौन? अर्जुन आज़ाद। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। एक तो हो गया हमारे मुर्गन अश्विन का, ये रहे, फिर ए पन्नू, और हमारे कैप्टन ये रहे हमारे कैप्टन। तो बाकी तीन हैप्पी प्लेयर्स ऐसे हो गए, टी जोशी, जी पुरी और एस यादव। इनमें से कोई बॉलिंग कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा। जगजीत सिंह बॉलिंग करे तीन ओवर दोस्तों। पन्नू को हमने तो ले लिया ना, पन्नू को ले लिया हमने, मुर्गन अश्विन को ले लिया, निपुण पंडिता और जगजीत सिंह दो हमारे टीम में अभी हो जाएंगे। कौन? निपुण पंडित और जगजीत सिंह। कहाँ है निपुण पंडित और जगजीत सिंह? कहाँ है दोस्तों? बॉलिंग में दिए हुए क्या? अरे बॉलिंग में दिए हुए। तो ये पांच प्लेयर्स अभी से इंपॉर्टेंट हो गए इस टीम से। अगर मुझे सिक्स्थ प्लेयर लेना पड़े ना, मैं लूँगा यहाँ से या फिर टी जोशी को, जो बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे, या फिर एस सिंह, शहबाज सिंह, यही है ना? हाँ, एस सिंह। इन दोनों में से अगर मुझे अच्छा लगे, इन दोनों में से किसी एक को साथ में जाऊँगा। वो कौन होगा वो आगे दूसरी टीम के एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें रोज जोन टीम की, यहाँ से आपके खेलते हुए दिखेंगे ए बख्शी, आपको ये खेलते पक्का दिखेंगे, पर मेरी मानो तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहो तो जा सकते हो यहाँ से मयंक सिंधु के साथ, सिद्धू के साथ, पर एज एक्सपेक्टेड इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। मुझे नहीं लगता आज इनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करेगा, आज इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा करेगा पिछले मैचेस की तरह। तो मैं शायद इनके साथ चला जाऊँ। अगर बात करें बैटिंग की, मनन बोरा टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन और सबसे अच्छे बैट्समैन में से एक, बहुत अच्छे प्लेयर, आपको इनको डायरेक्टली अपने टीम में रखना है। और यहाँ से एक कश्यप दोस्तों, दोनों को अपने अपने टीम में रखना है। और बात करें ऑलराउंडर्स की, आपको खेलते हुए दिखेंगे आर शर्मा, इकबाल और एस सिंह। जैसे का कुछ कंफर्म है नहीं, तो यहाँ से इन दोनों के लिए आपको मस्ट पिक हो जाएंगे प्लेयर्स। यहाँ से बात करें, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स है वो है एक बी कन्वर और एस सिंह, पर मैं यहाँ से बी कन्वर के साथ जाऊँगा। शायद मैं किसी एक ऑलराउंडर में से किसी एक को ड्रॉप कर दूँ। किसके लिए? इनके लिए, एस सैनी के लिए, अगर ये खेलते हैं तो। पर शर्त ये है कि ये अगर रोज जोन की टीम पहले बॉलिंग करे दोस्तों, ये डेथ में आते हैं दोस्तों बॉलिंग, ये डेथ ओवर के बॉलर है। अगर रोज जोन की टीम पहले बॉलिंग करे तो ही मैं इनको किसी एक बॉलर के जगह पर रिप्लेस करूँगा, किसको, किसी ऑलराउंडर को या फिर यहाँ इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके। पर अभी के लिए तो टॉस हुआ नहीं, टॉस होने के बाद मैं ये डिसाइड करता हूँ, डिसाइड करूँगा दोस्तों। जो भी हो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, टेलीग्राम पर मैं अपनी टीम दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपका पहला जो लिंक मिलेगा वही है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, कहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। आपको अपडेट्स कैसे मिलेगी? अपडेट्स नहीं मिलेगी ना अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो गया। बाकी सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, सब्सक्राइब कर देना। क्यों करना है सब्सक्राइब? सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ना आपको सबसे आगे मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी, तो आप सबसे पहले अपडेटेड रहेंगे हर एक मैच के, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक मैच के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हर एक मैच जो भी जो आता है ड्रीम इलेवन पर, जो फैंटेसी की टीम की, हर एक मैच की वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बाकी लाइक ज़रूर कर देना, हमारे वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आप थोड़ा मेहनत करके एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर सी और वी सी की बात करें, कैप्टनसी के सबसे बड़े ऑप्शन, आपको एक एक करके अपडेट देते हैं। यहाँ से बैटिंग में से ये दो, ऑलराउंडर में से सॉरी बॉलिंग में से ये और ये दो, बॉलिंग ऑलराउंडर में से आपको ये दो, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। पर मेरे जो कैप्टन होंगे ना,
वो शायद मैं मॉर्गन अश्विन के साथ एज ए कैप्टन जाऊँगा और एज ए वाइस कैप्टन मनन वोरा के साथ जाऊँगा दोस्तों। क्यों? मनन वोरा इस टीम के सबसे बढ़िया बैट्समैन है दोस्तों, आपके जो इसकी बात करें अगर आर एस जेड रोज जोन टीम की दोस्त सबसे बढ़िया बैट्समैन है। पर मैं इनको वाइस कैप्टन क्यों बना रहा हूँ, कैप्टन क्यों नहीं बना रहा हूँ, मैं इनको सेफ जा रहा हूँ दोस्तों। अगर ये बैटिंग से तो पॉइंट बैटिंग से जो पॉइंट देंगे बैटिंग से देंगे, बॉलिंग करेंगे नहीं। पर मॉर्गन अश्विन की बात ये कि बॉलिंग तो ये चार ओवर करेंगे, अगर विकेट गिर गए ना तो ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग करने भी नहीं ऊपर आ जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। तो हमें इसलिए मैंने मॉर्गन अश्विन को एज ए कैप्टन बनाया, मनन वोरा को मैंने एज ए कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई किया। बाकी जो भी हो आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, उससे पहले आपको ग्रैंड लीग की पिक तो बता देना, ग्रैंड लीग में कौन बनाएंगे, ग्रैंड लीग आपको आशा दी इकबाल इनको आपको कैप्टन बनाना है, यहाँ से जय सिंह को आपको कैप्टन बनाना है, बी कनवर और यहाँ से वी कश्यप, ये चार प्लेयर्स जो मैंने बोले ना इनको आपको सी और वी सी बनाना है ग्रैंड लीग में दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना। इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना अपनी टीम की, कुछ सोचना नहीं, डायरेक्ट बना देना कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में। बाकी अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, जुड़ जाना वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों।